अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक 17 इंच का पैनल है। इसमें ये आप फॉल्ट दे सकते हैं कि इसमें कलर बार्स का फॉल्ट है। तो आज हमने इसका ये फॉल्ट क्लियर करना है कि इस हमारे पैनल में क्या फॉल्ट है। ये जो फॉल्ट होता है ये 2 से 3 चीज़ों में फॉल्ट होता है, उनमें से कोई भी एक फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये फॉल्ट हो। एक तो फॉल्ट आता है हमारा जो LVDS जैक है, आधा लगा हुआ हो और आधा मिस हो तो उस वक्त भी ये फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। और ये जो जाके उसका लूजिंग में हो तो फिर भी फॉल्ट आ जाता है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर है गलत हो जाए या सॉफ्टवेयर जो इसका कार्ड है वो मैच ना हो रहा हो तो फिर भी इसमें ये फॉल्ट आ जाता है। और उसके बाद इसमें इसका जो ये मेमोरी IC होता है इसमें फॉल्ट आ जाए, इसकी प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाए तो फिर भी इसमें ये फॉल्ट आ जाता है। इसके चेंज करने से भी फॉल्ट क्लियर ना हो तो फिर आपका इसका जो ये IC होता है उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो उस वक्त इसमें ये फॉल्ट होता है। तो इसके मैंने ये जो EPROM में इसको चेंज कर लिया है, इसको चेंज करके देख लिया कि इसमें फॉल्ट है या नहीं है। तो अब हमारा इससे फॉल्ट ये क्लियर नहीं हुआ तो अब हमने इसका ये IC चेंज करना है। तो उस वक्त हमारा जो इसका कलर बार्स का फॉल्ट है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अब हम IC को ओपन करते हैं। अगर इस कंडीशन में आप पैनल का वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे तो आपके जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल सभी ठीक आएंगे, कोई भी वोल्टेज मिस नहीं होंगे। अब हमें जो इसका हमने IC चेंज करना है वो आप हमें जो मिलेगा वो आपने इस जैसी ये स्केलर पट्टी ले लेनी है। ये आपने इसका कोड हर हाल में मिलाने हैं, ठीक है जी। ये कोड आपने मिलाने हैं, अगर आपको ये कोड मिल जाए तो फिर आपने इसको लगा देना IC को। अगर ये कोड इसकी स्केलर पट्टी मैच ना हो तो फिर आपने इस IC को नहीं लगाना है, सेम ही आपने उतार कर लगाना है। अगर आपके पास वैसे अलग से है तो फिर आप लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा पैनल 17 इंच का। तो पहले हम इसका पहले वाला IC उतारेंगे, ये वाला। IC को हमने ओपन कर दिया है तो अब हम दूसरी स्केलर पट्टी से IC ओपन करेंगे। अब हमने इस स्केलर पट्टी से भी IC ओपन कर लिया है। अब हमने IC को लगाने से पहले इसका नीचे से प्रिंट जो अच्छी तरह से है इसको हमने साफ करना है ताकि हमारा जो ये वाला IC है लगाने में आसानी हो जाए। इसको मलाता कर लेते हैं।
अब हमारा प्रिंट बिल्कुल साफ हो चुका है, तो अब हम आईसी लगाएंगे। इसके आईसी के लगाने का तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इनकी जो ये पिने हैं बिल्कुल प्रिंट के साथ मैच करके देख लेनी है, मैच हो जानी चाहिए। तो उससे आईसी को लगाने से पहले हम इसका अच्छी तरह से पेस्ट और बिरोजा साफ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आईसी को मैंने एडजस्ट कर दिया है, ये आप इसकी किन्ने देख सकते हैं बिल्कुल प्रिंट के साथ मैच हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से रिसोल्ड करते हैं। तो अब मैंने इसका आईसी मुकम्मल रिसोल्ड कर दिया है, तो अब हम इसके साथ जो कार्ड है वो अटैच कर, अब हम इसमें एलवीडीएस जैक लगा रहे हैं, कार्ड ऑन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैनल है आप मुकम्मल ऑन हो चुका है। अब ये कलर बार नहीं दे रहा, तो इसमें जो कलर बार का फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।